हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 5 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों 4 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप इस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों का क्लास कुछ दिनों से बंद था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह का स्थिति बना हुआ है, जिसके कारण दोस्तों सारा सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है। और आप लोग भी दोस्तों बातों को समझ सकते हैं, मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि आपका क्लास बंद रहे, आपका क्लास ना हो, लेकिन दोस्तों अब आप टेंशन नहीं लीजिए, मेरा काम है पूरा सिलेबस पढ़ाना। मैं पूरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट है सारा का दोस्तों मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपका पूरा तैयारी करवाऊंगा। ये दोस्तों मेरा काम है, लेकिन आप लोग ध्यान से जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स का 2 जो आपका चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर का सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज जो यहाँ पर आपका 3रा चैप्टर चालू हो रहा है, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के बहुत सारे जो आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो दोस्तों आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि दोस्तों किसके बढ़ने या फिर घटने पर किसी भी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। तो एक का जो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। यानी दोस्तों तापमान जो है बढ़ने से क्या होगा, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, बढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। और आप लोगों को दोस्तों बताए थे कि आप लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि आप लोगों का मोबाइल ऐप तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को जो है जिस मोबाइल ऐप में आप लोगों को इसका PDF और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सारा मटेरियल वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहां पर आपको वीडियो भी दोस्तों वहां पर आपको मिल जाएगा, PDF और बहुत सारा दोस्तों वहां पर आपका सुविधा दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार डाउनलोड करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इस तरह का मोबाइल ऐप दोस्तों अभी तक आपको प्ले स्टोर पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का जो दो नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पूछ रहे कि किसी चालक के है ना संवहन वेग, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा है ना आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। सिंपली आपको ये बताना है कि किसी भी चालक का संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है। तो 2 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका B होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आप VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E का, यानी कि VD जो है समानुपाती होता है किसका, तो E का, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका व्यवहार किस चीज़ को मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा C होगा, यानी कि प्रतिरोध, किसको दोस्तों, प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है व्यवहार यानी कि प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और 3 बार अभी तक दोस्तों 3 बार इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार प्रतिरोध एक्स का मान है ना संतुलन की स्थिति में होगा। आपको ये बताना है कि चित्र के अनुसार आपको आंसर देना, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध एक्स, यहाँ पर आपको प्रतिरोध एक्स दिख रहा है, इसका दोस्तों मान बताना है संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में इसका मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सीखिए, जो यहाँ पर आपका प्रतिरोध है उसको आप ऊपर ले लेंगे और इसके सामने जो यहाँ पर आपका दोस्तों जो लंबाई है इसका आप देख सकते हैं ये दोस्तों कितना है, तो ये 40 है, तो यहाँ पर आप 40 ले लेंगे, फिर आप संतुलन करना है तो बराबर करेंगे
और यहाँ पर आपका जो है आप देख सकते हैं ये जो प्रतिरोध है 60 ओम का है, तो यहाँ पर आप 60 लिख लीजिए सिंपली। और नीचे में ये देख सकते हैं डिस्टेंस कितना है, 60 है, तो यहाँ पर आप 60 लिख लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इस 60 से 60 दोस्तों एक से क्या होगा, कट जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा। तो एक्स को जब आप गुना करेंगे एक से तो क्या होगा, एक्स होगा। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कोना कोनी तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 40 को एक से गुना करेंगे तो 40 होगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों कितना रहा है, 40 आ रहा है, 40 जो है आ रहा है। तो 40 ओम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 40 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे बातों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 ओम जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, किसका तो एक्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा कि चित्रानुसार धारा आई का मान होगा। यहाँ पर दोस्तों इस फिगर के अनुसार ये जो धारा आई है इसका मान आपको बताना है। तो पहले बातों को समझिए, धारा जो है यहाँ पर आप देखते 20 वोल्टेज पर कोई धारा जो है यहाँ पर जो है भेजा जा रहा है इधर की तरफ धारा जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लास्ट में जो रिजल्ट 10th जो वोल्टेज है वो 0 मिल रहा है। यहाँ पर से चला 20 वोल्ट और यहाँ पर आकर के 0 हो रहा है। और आपको बता दें कि ये सभी के सभी प्रतिरोध आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ा गया, एक सीरीज में। तो यहाँ पर आपको किसका मान बताना है, तो आई का मान क्या करना है बताना है। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 वोल्ट का जो है धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20। और यहाँ पर यहाँ जब यहाँ से चली धारा और यहाँ तक आने में इसका 2 ओम प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पर आप माइनस कर लेंगे 2, क्योंकि जो ये 2 प्रतिरोध है वो रोकने की काम करते हैं, तो यहाँ पर 2i क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर आएगी तो 4 ओम कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप ऊपर देख सकते हैं कि जो एक ऊपर से तार जोड़ा हुआ है, कुंडली जोड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुंडली होकर के धारा चली जाएगी, इस प्रतिरोध होकर के नहीं आएगी, क्योंकि कठिन रास्ता कोई पार नहीं करना चाहता है, तो धारा इधर से आएगी और ऊपर होकर के फिर चली जाएगी इधर, ठीक है। तो इस प्रतिरोध से इस धारा को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर आपका जो 2 ओम प्रतिरोध है, ये 2 ओम प्रतिरोध, ये दोस्तों माइनस करेंगे हम तो 2i यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, फिर बराबर में क्या आपको मिल रहा है, तो 0, तो यहाँ पर आप 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये क्या होगा आपका 2i क्या होगा, -4i होगा, -4i हो जाएगा। और फिर जब आप इधर 20 को भेजेंगे 0 के आगे तो क्या होगा, -20 होगा, और जब माइनस से माइनस आप काट देंगे 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो i बराबर आपको कितना मिल गया, 5, i बराबर कितना मिल गया, 5, यानी कि, और आई मतलब जो धारा, धारा का जो ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, 5 एम्पियर। आप जो है देख लीजिए, इस तरह से हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझोगे तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 एम्पियर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 5 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी धातु है ना, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा। आप क्या करते हैं कि किसी धातु प्रतिरोध का जो ताप है वो बढ़ा देते हैं, तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो 6 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताएं हम, अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, विद्युत धारा का दोस्तों ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए वहाँ पर तो हम 5A लिखे हैं, 5A मतलब 5 एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, किस चीज़ से मापा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 का जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि वोल्ट में, विद्युत परिपथ में जो है विभवांतर जो है मापा जाता है, किस में, वोल्ट में, यानी कि सिंपली आप ये समझिए कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप किसी भी तरह से पूछे तो आप उस तरह से आप तैयारी कीजिए। जो यहाँ पर आपका
नौ नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप टेंथ के अंदर भी पढ़े होंगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, जो आपका 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध की बीमा है, प्रतिरोध का जो डायमेंशन होता है बीमा वो आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों एम इंटू एल का पावर 2 इंटू टी का पावर -3 इंटू ए का पावर -2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध या नहीं तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर 11 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए होगा, 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ओम मीटर। ओम मीटर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, प्रतिरोध बोले, विशिष्ट प्रतिरोध बोले या नहीं तो इसी को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, तो ओम इंटू मीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है, बीमा यानी कि डायमेंशन आपको बताना है। तो 12 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि एम इंटू एल का पावर 3 इंटू टी का पावर -3 इंटू ए का पावर -2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर आपका 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सेल का है ना विद्युत वाहक बल जो होता है मापा जाता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल किस चीज़ से मापा जाता है। तो 13 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि विभव मापी द्वारा, विभव मापी द्वारा जो है विद्युत बल्ब का जो है विद्युत जो विद्युत सेल का जो है बल मापा जाता है, विद्युत वाहक बल्ब। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा कि आवेश इनटू विद्युत वाहक बल्ब की बीमा है। तो यहाँ पर 14 का जो आपका सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि देख सकते हैं कि एम इंटू एल का पावर 2 इंटू टी का पावर -2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, कोई तार है जिसका प्रतिरोध दोस्तों 1 ओम है, ये तार है मान लीजिए और इसका प्रतिरोध आपको बोला जा रहा है कि भाई कितना है, तो 1 ओम है, इस तरह से ओम बनाते हैं ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको खींच करके दोगुना लंबाई का कर दिया, इस तार को दोगुना लंबा कर देंगे तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 15 का जो आपका सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि 4 ओम होगा, कितना दोस्तों 4 ओम, यानी कि दोगुना हो जाएगा। जब आप लंबाई बढ़ाएंगे दोगुना तो प्रतिरोध भी दोगुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि चालकों के जाल से है ना धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। चालकों के समझ लीजिए कि कोई चालक का जाल सा बना हुआ है और उसे धारा प्रवाह को समझने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 16 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि किरचॉफ के नियम का, किरचॉफ्स लॉ को यहाँ पर जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का, बोला गया कि किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ में जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग का जो है बीजगणितीय योग क्या होता है, सभी धाराओं का जो है बीजगणितीय योग क्या होता है। तो 17 का जो यहाँ पर ए ऑप्शन है सही होगा, शून्य होता है, क्या दोस्तों शून्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग आपको बता दें कि 18 का जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि दोस्तों सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा है ना अनुगमन वेग वी डी हो तब संचालकता होगी, तब जो है संचालकता कितना होगा। तो 19 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, वी डी बाई ई यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, जब आप ताप बढ़ाते हैं
तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप हमारे जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया इतना काफ़ी मेहनत करके, तो वो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर उस पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।